वॉट इज़ अ लेंथ ऑफ अ टर्पुलिन 3 meter वाइड. एक टर्पुलिन, टर्पुलिन मतलब जब वो बारिश के वक्त हम स्कूटर के ऊपर और कार के ऊपर वो कपड़ा नहीं लगाते जिसकी वजह से पानी टिकता नहीं है, उस कपड़े को हम, जैसे रेनकोट भी बनता है, उसको हम बोलते हैं टर्पुलिन. तो एक टर्पुलिन का कपड़ा है 3 meter वाइड, ठीक है, उसकी लेंथ हमें नहीं दी गई है, ठीक है. तो मान लेते हैं कि उसकी लेंथ ना कैपिटल एल है. कितने हैं? कैपिटल एल. तो ऐसा एक टर्पुलिन है 3 meter चौड़ा. विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 meter. इस कपड़े से हमें एक कॉनिकल टेंट यानी कि तंबू बनाना है. अच्छा, तंबू बनाने के लिए नीचे कपड़ा नहीं लगेगा, सिर्फ आसपास ही लगेगा, ठीक है. तो हमें बस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही ढूंढना है. मान लेते हैं कि ये टेंट की हाइट है और ये टेंट का रेडियस है और ये उसकी हो गई स्लैंट हाइट. तो हमें इसे तंबू बनाना है ऑफ हाइट 8 meter. हाइट इन्होंने दे दी है 8 meter, बेस रेडियस 6 meter दिया है. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastages cutting approximately 20 centimeter. अच्छा, 20 centimeter extra weightage लेना, extra waste लेना है. Waste के लिए हो गया या stitching के लिए, सिलने के लिए हो गया, तो 20 centimeter जो भी length होगी उसे और extra हमें लेना है. तो यहाँ पे अगर तंबू का हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस, क्योंकि नीचे तो लगेगा नहीं, नीचे ज़मीन है या कुछ और बिछा दोगे तो भी चलेगा, उसके लिए टर्पुलिन नहीं चाहिए. तो क्या मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू यहाँ पे ले लो 22/7, रेडियस तुम्हारे पास है 6 meter, स्लैंट लेंथ तुम्हारे पास है नहीं है, नहीं है ना, तुम्हारे पास हाइट है और रेडियस है, स्लैंट लेंथ नहीं है. तो यहाँ पे हम PGT का इस्तेमाल करें, पाइथागोरस थ्योरम का. ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, ये हो गया लेंथ. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लेंथ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर. एच तुम्हारे पास है 8 meter टू द होल स्क्वायर और ये है तुम्हारे पास 6 meter टू द होल स्क्वायर. 8 square इज 64, 6 square इज 36, टोटल इज 100. सो एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. तो एल तुम्हारे पास हो जाएगा 10 meter, हाँ या ना. तो एल तुम्हारे पास मिल गया 10 meter. अभी हम पाई आर एल के फॉर्मूला में डाल सकते हैं. तो फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल. पाई है 22/7, रेडियस हमारे पास है 6 meters और लेंथ हमें मिल गई है 10 meter, हाँ या ना. सो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा. 6 tens are 60 ले लो, या तो डायरेक्ट पहले इसको मल्टीप्लाई करो, बाद में 10 से मल्टीप्लाई करो. 6 twos are 12, रिमाइंडर 1. 6 twos are 12 plus 1 13, और पीछे फ्री वाला 0. सो 1320/7, 7 1s are 7, 6 बच जाएगा. 6 and 2 62, 7 के टेबल में 62 से क्लोज. 7 9s are 63, बढ़ जाता है. तो 7 8s are 56, 56 plus 6 बचेगा. तो 6 and 0 60, 7 के टेबल में 60 से क्लोज. 7 8s are 56, राइट. 40 यानी कि 40 या तो एक, हाँ 40 यानी कि 7 5s are 35. तो ये हो जाएगा 188.5 meter square. यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? ओके. अभी ये जो कपड़ा है वो इसी रेक्टेंगल से ही बनेगा, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ टर्पुलिन, उसी से तंबू का कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ टर्पुलिन हम लिख सकते हैं. तो क्या मैं ऐसे लिखूं,
एरिया ऑफ टर्पोलिन इज इक्वल्स टू कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. एरिया ऑफ टर्पोलिन, टर्पोलिन हमारा रेक्टेंगल शेप में है, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि एल इंटू थ्री इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास है 188.5. सो एल इज इक्वल टू 188.5 डिवाइड बाई 3. तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू 3 6 18, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 2 6, 2 5 25, यानी कि 3 8 24, तो ये कितना हो गया 62.8 meters. बाद में यहाँ पे इन्होंने बोला था कि 20 centimeters एक्स्ट्रा वेटेज लेना है, तो 20 centimeters इज इक्वल्स टू नथिंग बट 0.2 meters. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सब कुछ क्या है मीटर में. तो क्या मैं ऐसे लिखूं एल इज इक्वल्स टू, इसमें स्क्वायर कैसे आएगा, ये तो लेंथ हम ढूंढ रहे हैं ना, ये टर्पुलिन का एरिया इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. इन दोनों को हमने कंपेयर किया तब जाके हमें ये मिला. देखो टर्पुलिन का लेंथ इंटू 3 meters इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज इक्वल्स टू 188. तो इसको सॉल्व करने के बाद एल इज इक्वल्स टू 62.8 meters प्लस वेस्टेज. वेस्टेज हमने कितना ले लिया 62.8 प्लस 0.2 meters, यानी कि ये हो जाएगा 63 meters. तो ये जो टर्पुलिन का टांका है मतलब पूरा कपड़ा है वो 3 meters चौड़ा और 63 meters लंबा चाहिए होगा अगर इस तंबू को हमें स्टिच करके बनाना है. तो समझ में आ गया पक्का.